हाँ जी, एजुकेशन दा ज्ञान चैनल ते तुहाडा सारिआं दा स्वागत करदे हाँ। इस चैनल दे उत्ते तुहानूं पंजाबी दी पूरी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। इस तों बिना पोलीटिकल हिस्टरी जोग्राफी पंजाब जीके ते मैंटल वेलटी जो कि उसका पूरा सिलेबस इस चैनल दे उत्ते करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री। तो इस तों बिना ये जिहड़ी अपन 2021 दे विच जिन्ने भी एग्जाम होने ने उन्हां दे लई तैयारी करवाई जाती है। इस करके इस चैनल नूं लाइक शेयर सबसक्राइब जरूर कर लेना ते बैल आइकन बटन नूं दबा लेना तां जो आने वाली वीडियो दे नोटिफिकेशन तुहानूं मिलते रहन। पहला आपां दो वीडियो कीतियां सी जिहड़ियां कि पंजाबी किस्सा काव नाल संबंधित ने। पहली वीडियो पंजाबी किस्सा काव दे आरंभ बारे आपां कर चुके हाँ चर्चा। उस तो दूसरी वीडियो दे विच पंजाबी किस्सा काव दी विशे पक्ष तो वंड स्रोत ते सोमियां दे आधार ते वंड ते तीजी काल दे आधार ते वंड जो कि दूसरी वीडियो दे विच कर चुके हाँ। इस करके उन्हां वीडियो नूं भी ध्यान नाल सुन लेना। ते अज आपां शुरू करदे हाँ पंजाबी किस्सा काव नानक काल दे किस्साकारां बारे जां कह सकते हाँ 17वीं सदी दे किस्साकार। हाँ जी, नानक काल 17वीं सदी। नानक काल का पहला किस्साकार कौन आ जिदे जिस दे नाल पंजाबी किस्से का मुढ़ वजदा गा? वह है दमोदर। संपूर्ण किस्सा लिखण वाला किस्साकार है वह भी कौन है? दमोदर। पंजाबी किस्सा काव का मुढ़ वजदा है दमोदर तो। दमोदर जात का की सी? गुलाटी। रुजगार की भाल विच दमोदर कित्थे आया सी? झंग सियाल। दमोदर ने किस शासक के राज समय किस्सा लिखिया? अकबर के राज के अंत समय। ठीक है भी, अकबर के राज के अंत समय। डॉक्टर कुलवीर सिंह कांग अनुसार किस्सा कदों मुकम्मल जा मकाया गया? कदों मकाया गया सी? 1605 ईस्वी तो बाद। याद रखना दमोदर का किस्सा मध्यकाल के पंजाबी समाज में इसत्री की स्थिति को उजागर करता है। चूचक किन्ने पिंड का सरदार है? 84 पिंड। रांझे को किस्से होर कि नावों दर्शाया गया दमोदर के किस्से? ठीक है, पहला नाम धीदो, चाक, रंजन, तीन नावों के नाल दर्शाया गया। हीर नू होर कि नावों राही दर्शाया गया है दमोदर के किस्से? हीर रांझे के किस्से सलेटी, जटेटी ते चकेटी, इन्ह शब्द जिहड़े आ वो हीर दे लई वरते गए ने किस्से दे विच। हाँ जी, हीर रांझा किस्सा सब तो पहला किसने लिखिया सी? दमोदर ने। दमोदर ने हीर रांझा किहड़े छंद दे विच लिखिया सी? दवैया छंद दे विच। दमोदर ने किहड़े रस की वरतों घट कीती? याद रखना हास रस। हीर दियां सहेलियां दी गिनती दमोदर के किस्से दे विच किन्नी दर्शाई गई है? 360। दमोदर का सारा किस्सा किन्ने वंदां दे विच लिखिया गया गा? 960 चौतुके वंद। दमोदर के किस्से विच किस भाषा का प्रयोग होया गा? लहिंदी भाषा का। दमोदर ने मंगलाचरण किन्नियां तुकां विच लिखिया? 4 तुकां दे विच। ठीक है, मंगलाचरण बारे आपां पहलां दे वाले वीडियो दे विच कर चुके हाँ, वह सुन लेना। दमोदर ने हीर का नितनेम किन्नियां तुकां दे विच कीता गा? 4 तुकां दे विच। हीर रांझे का किस्सा लिखण वाला पहला हिंदू किस्साकार? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये है दमोदर। दमोदर किस्से का अंत किस तरह करता है? सुखंतक रूप दे विच। ठीक है, जां सुखंतक रूप दे विच किस्सा लिखण दी पिरत किसने पाई? सब तो पहला तो दमोदर सी। ठीक है, उन्हें सुखंतक रूप दे विच कि हीर रांझे नूं किसी दूसरे देश वल रवाना कर दिता जांदा, उन्हां दी मौत नहीं दर्शाई जांदी। दमोदर ने हीर काव विच किस इतिहास मतिहास नूं जोड़िया है? हिंदू। ठीक है, जिहदे विच कृष्ण का जिक्र आउंदा, याद रखना। हाँ जी, अगला नानक काल का अगला किस्साकार केड़ा गा? पीलू। ठीक है, जिन्हें कि मिर्जा साहिबा का किस्सा लिखा सी।
ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਿੱਸਾ ਕਿਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 17ਵੀਂ ਸਦੀ। ਪੀਲੂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੇਣ ਕੀ ਆ? ਕੀ ਦੇਣ ਆ? ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਪੀਲੂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਕਿਸਨੇ ਮਰਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ? ਕਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ? ਸਰ ਰਿਚਰਡ ਟੈਂਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਇਹ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲੀਜੈਂਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਸੱਦ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵੈਂਤ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਵਈਆ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਸਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਦ ਕਾਵਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਗਾ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਪੀਲੂ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੀਲੂ ਦੀ ਕਿੱਸਾਕਾਰੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਗਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖਰਦਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਣਾ ਜਾ ਤੁਕਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਰੋ ਪੀਲੂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਭੁੱਲ ਕਰੇਨ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਥਾਪਣਾ, ਕੰਧੀ ਦਸਤਰੇ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ? ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖਰਦਾਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੀਲੂ ਨਾਲ ਨਾ ਰੀਸ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਜਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ? ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਿਸ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ? ਖਰਲ ਜਾਤੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਰਲ ਜਾਤੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਖਰਲ ਜਾਤੀ ਨਾਲ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਦਾਨਾ ਬਾਦ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ? ਰਾਜਪੂਤਾਂ, ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਵੰਜਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਖੀਵਾ ਖਾਨ, ਖੀਵਾ ਖਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌਣ ਸੀ? ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਾ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਝੰਗ ਸਿਆਲ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ? ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਿਸ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜੰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੰਡ ਥੱਲੇ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬਾਂ। ਕੌਣ ਤੋੜਦੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਗਾ ਉਹ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਇਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਪੀਲੂ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੱਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਅਗਲਾ, ਕਿਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪੀਲੂ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ? ਕੌਣ ਸੀ? ਵਾਵਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪੁਸਤਕ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਬੰਬੀਹਾ ਬੋਲ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੀਲੂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ ਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਰਸ ਆ? ਕਰੋਨਾ ਰਸ। ਪੀਲੂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸ਼ੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ। ਸ਼ੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ। ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖਰਦਾਰ। ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖਰਦਾਰ ਕਿਸ ਕਾਲ ਦਾ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੈ? ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਾਲ। ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖਰਦਾਰ ਨੇ ਪੀਲੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਰਚਿਆ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਰਚਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਸੀਗਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ? ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਸੇ ਪਾਏ ਸੀ? ਤਿੰਨ ਕਿੱਸੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਯੂਸਫ ਜਲੇਖਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤਿੰਨ ਕਿੱਸੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖਰਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਸੀ।
हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, सस्सी पुन्नू दे किस्से नूं पहला लिखती रूप किसने दिता सी? हाफिज बरखरदार ने लिखिया कि नहीं सी? हाफिज बरखरदार ने पहला लिखती रूप दिता सी, पर प्रसिद्ध किदा होया सी? हाशम दा। सस्सी पुन्नू, याद रखना फर्क है इन्हां च, ठीक है? प्रसिद्ध पूछ लिया तां हाशम दा, जां पहला लिखती किस्सा सस्सी पुन्नू किने लिखिया तां हाफिज बरखरदार ने। सस्सी पुन्नू दे किस्से विच किस शैली की वरतों हुई है यथार्थवादी शैली दी? सस्सी पुन्नू दा किस्सा प्रसिद्ध किसका होयागा? हाशम शाह दा, पहला दस चुके हैं आपां। हाफिज ने केड़ा रस सब तो वधेरे वरत्या? श्रृंगार रस। हाफिज दी बोली उत्ते किस भाषा दा प्रभाव है? फारसी दा। यूसुफ जलेखा दा किस्सा सब तो पहला किसने लिखिया? ठीक है, यूसुफ जलेखा दा किस्सा लिखण वाला पहला किस्साकार वो भी हाफिज बरखरदार होयागा। विदेशी किस्सा सब तो पहला किसने लिखिया? वो भी हाफिज बरखरदार की देन आ। ठीक है भी, याद रखना सस्सी पुन्नू का पहला लिखती किस्सा देन वाला भी हाफिज बरखरदार आ, ते यूसुफ जलेखा का किस्सा देन वाला भी हाफिज बरखरदार आ, ते विदेशी किस्सा देन वाला भी हाफिज बरखरदार आ। किस धार्मिक पुस्तक विच यूसुफ जलेखा के किस्से का जिक्र होया? कुरान शरीफ के विच। किहड़े नाम हेठ? सूरत यूसुफ नाम हेठ। विदेशी किस्सा काव्यधारा नूं शुरू करन वाला किस्साकार किहड़ा गया? हाफिज बरखरदार, याद रखना। हाँ जी, यूसुफ किसका पुत्र सी? याकूब दा। यूसुफ दे पिता याकूब दे किन्ने व्याह सी? दो व्याह सी। यूसुफ नूं किस विच सुट्टिया गया सी? खूह दे विच। किहदे द्वारा? मतरेई भरावां द्वारा। यूसुफ नूं कित्थे वेचिया जांदा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ, मिस्र दे विच। जुलेखा दा विआह किस नाल होया सी? अजीज सरदार दे नाल होया सी। यूसुफ नूं जेल विच कौण सटवा दिंदी है? जुलेखा, क्योंकि वह कहती है तो भी मेरे नाल विआह कर तू, तो वह पहला विआह ही हुई सी, वो उसका विरोध करता सी। यूसुफ किन्ने साल जेल विच रहिंदा गा? 12 साल। जिवें पूर्ण भगत दे किस्से दे विच पूर्ण 12 साल बाद भोरे बाहर निकलता गा, उसे तरह यह भी 12 साल जेल दे विच रहिंदा गा। यूसुफ जलेखा किस्से की भाषा केड़ी आ? फारसी भाषा दे प्रभाव वाली आ। ठीक है भी, पंजाबी विच हाफिज बरखरदार रचित किस्सा यूसुफ जलेखा नूं किसने संपादित किया? संपादित पूछा जा सकता गा। ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ, डॉक्टर प्यारा सिंह ने। डॉक्टर प्यारा सिंह ने। हाँ जी, नानक काल का अगला किस्साकार आउंदा गा? अहमद गुज्जर। हीर रांझे का किस्सा लिखण वाला मुसलमान किस्साकार कौन है? ठीक है, मुसलमान किस्साकार तो वह कौन है? अहमद गुज्जर। अहमद गुज्जर किस काल का किस्साकार है? नानक काल का, या इनू कह सकते हैं आरंभिक मुगल काल। किहड़ा काल कह सकते हैं? आरंभिक मुगल काल। काल भी पूछे जा सकते हैं, तो पहला आप पहला वाली वीडियो के दस चुके हैं, तो पहला काल अनुसार किस्सों की वंड तो उसनों जरूर देख लेना। दमोदर का उत्तरकाली किस्साकार किहड़ा गा? दमोदर का तो वह है अहमद गुज्जर। मुकबल ते वारिस शाह का पूर्वकाली कौन होया गा? वह भी कौन होया गा? अहमद गुज्जर। अहमद गुज्जर ने हीर के किस्से विच किस इतिहास मिथिहास में जोड़िया गा? मुसलमान। हीर का किस्सा सब तो पहला बैंत छंद विच किने लिखिया सी? अहमद गुज्जर ने, क्योंकि दमोदर ने तो दवैया छंद वरतों किया सी, पर बैंत छंद दे विच किने लिखिया सी? सब तो पहला किस्सा हीर का वो लिखिया सी अहमद गुज्जर ने। प्रसिद्ध किहदा होया सी? वारस शाह दा। ठीक है, पंजाबी किस्सा काव्य विच दुखांतक किस्सा लिखण दी बिरत किसने पाई सी? वह भी अहमद गुज्जर दी देन आ। कितें वारस शाह ना लिखे हो तो बाद च आउंदा गा। अहमद गुज्जर ने हीर दा किस्सा किन्ने बंदा विच लिखिया सी? 236 बंदा दे विच, याद रखना 236 बंदा दे विच। हाँ जी, ये सी अपने नानक काल के किस्साकार, जिन्हां बारे आपां चर्चा कर चुके हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने, इस करके पहला वालियां वीडियो भी देख लेनी है, तो ये वीडियो भी ध्यान नाल सुन लेना, ठीक है, एंड तक। इस करके इस चैनल नूं जे वीडियो चंगी लगी तो लाइक शेयर ते सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ते बैल आइकन बटन नूं दबा देना ता जो आने वाली वीडियो की जानकारी तुहानूं मिलती रहे। धन्यवाद।